नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं रोहित राठी और आप सब हैं मेरे साथ आपके अपने YouTube चैनल राठी क्लासेस कॉन्सेप्ट में। आज हम शुरू करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिक्सर एंड एलिगेशन, ठीक है। और इसमें बच्चे क्या करते हैं कि फ्रैक्शन का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। अब हम थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंड को यूज करेंगे अपने, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि सर्दियों का टाइम है और किसी व्यक्ति को अगर नहाना है, ठीक है, तो क्या करेगा, थोड़ा सा पानी गर्म मिलाएगा और थोड़ा सा क्या करेगा, ठंडा, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा हॉट वाटर लेगा और थोड़ा सा क्या लेगा, कोल्ड वाटर लेगा और दोनों को मिलाएगा, तो क्या रहेगा, पानी ना तो हॉट रहेगा और ना ही वो कोल्ड रहेगा। यानी कि दोनों को अगर मिला देगा तो क्या हो जाए, बन जाएगा दोनों का एवरेज बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे मान के चलिए घर पे हम चाय बनाते हैं, चाय में क्या होता है कि जैसे हमने मान के चलिए 4 कप हमने दूध मिला दिया और फिर 1 कप उसमें पानी डाल दिया, तो ये भी क्या हो गया, मिक्सर हो गया आपका दूध और पानी का। उसके बाद हम उसमें शुगर भी डालते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दूध और चीनी का ये आपका क्या हो गया, दूध का और चीनी का क्या हो गया, मिश्रण हो गया, मिक्सर हो गया। तो चलिए शुरू करेंगे आज का काम। इससे पहले अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो आप क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए, लेकिन ध्यान से देखिए अब जरा एक बार। पहले थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे मान के चलिए ये एक बर्तन है और ये एक बर्तन है, ठीक है। इसमें मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर कितना है, 5:2 के रेशियो में है, और इसमें मिल्क एंड वाटर कितने के रेशियो में, 9:5 के रेशियो में, 9:5 के रेशियो में है। तो दोस्तों मैं जो भी बातें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज आपकी ये पहली क्लास है मिक्सर एंड एलिगेशन की, और पहली क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बेसिक्स उसी में आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और शुरुआत से लेकर लास्ट तक एक एक वर्ड ध्यान से सुने, एक एक वर्ड, ठीक है, और लास्ट तक एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखें आप लोग। तो यहां अगर हम देखें, उसने ये कह दिया क्वेश्चन में कि ये जो दो बर्तन है इन दोनों की जो कैपेसिटी है, इन दोनों की जो कैपेसिटी है वो कैसी है, इक्वल है, वो कैसी है, इक्वल है, कैपेसिटी कैसी है, इक्वल है। यानी कि हिंदी में कहे तो क्षमता और इंग्लिश में कहे तो कैपेसिटी, दोनों क्या है, दोनों की इक्वल है, बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा, हमने देखा कि इसमें जो हमारा मिक्सर है इसमें कितना मिक्सर है दोस्तों, हमारे पास इसमें जो मिक्सर है वो है देखिए 7 यूनिट, और इसमें जो मिक्सर है वो कितना है आपका 14 यूनिट, ठीक है। तो आप मुझे देख के ये बताए क्या दोनों में मिक्सर जो है, जो यानी कि यहाँ 7 यूनिट है और यहाँ पे 14 यूनिट है, क्या आपको ये समान लग रहा है, इक्वल लग रहा है? तो मुझे लगता है कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इनको पहले क्या करेंगे, हम इक्वल करेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है ये वाला वर्ड, देखिए ध्यान से, इक्वल, ठीक है, इक्वल है तो इक्वल बना दो भाई, इनको बस इक्वल कर दो, ठीक है। इक्वल करने का मतलब हो जाएगा 7 और 14, यानी कि 7 और 14, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 14 ही हो जाएगा। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा कितना, 4, और ये कितना हो जाएगा, 9:5। अब यहां से इन दोनों बर्तन को हम क्या मिलाएंगे, एक तीसरे बर्तन में मिलाते हैं, और जब हम तीसरे बर्तन में मिलाएंगे तो यहाँ से दूध कितना है, देखिए 10 यूनिट, दूध कितना है यहाँ से 10 यूनिट, और पानी कितना है यहाँ पे 4 यूनिट, और जब हम इसको देखते हैं तो ये कितना है, 9 यूनिट है, और पानी कितना है यहाँ पे 5 यूनिट है। तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 10 और 9 19, और 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ दोस्तों एक चीज और देखना आप, ये यानी कि मिल्क एंड वाटर कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि रिजल्टेंट मिक्सर में, जो रिजल्टेंट मिक्सर में दूध और पानी का जो रेशियो है वो कितना है, 19:9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूँ, ठीक है। कभी भी जैसे मानिए आप ऐसा देखिए, जैसे मैंने यहां लिखा 5 यूनिट इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 यूनिट 5 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, यहाँ पे 1 के बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ऐसे केस में मैं ये कह सकता हूँ, कहीं भी अगर मान के चलो ऐसा सिस्टम आ जाए, जैसे मैंने ये कह दिया आपसे कि भाई यहाँ पे 2:7 है, 2:7 है, इन दोनों का डिफरेंस 5 है, और 5 का वैल्यू मैंने कह दिया जी 5 है, 5 का वैल्यू अगर मैंने 5 कह दिया तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 1 आया। तो इस केस में क्या होता है कि जो 1 का वैल्यू जब 1 आ जाए, तो इस केस में हम कहेंगे कि जो आपकी संख्या है उसका जो वैल्यू है वो क्या है, रेशियो से इंडिपेंडेंट है, या हम ये कहें कि रेशियो संख्या से इंडिपेंडेंट है। यानी कि हम ये कहेंगे कि 1 यूनिट बराबर 1 लिखे या ना लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि
यहाँ पे जो रेशियो लिखा गया है, यानी कि दो लिखा है तो इसका मतलब 2 लीटर है, और ये 7 लिखा है तो इसका मतलब 7 लीटर है। यानी कि जब 1 यूनिट बराबर 1 आ जाए तो मैं कहूंगा कि रेशियो क्या है यहाँ पे, संख्या से इंडिपेंडेंट है। बात आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि जी 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 10 लीटर है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 2 लीटर आएगा। इसका मतलब है कि अब 1 यूनिट किसके साथ बाउंड हो गया, 2 के साथ बाउंड हो गया। तो इन चीजों का मैं आगे इन्हीं क्वेश्चन में काफी यूज करूंगा, इसलिए मैं आपको अभी यहाँ पे ये बेसिक आपको जो समझा रहा हूँ वो ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कहा आप लोगों से, जैसे मान के चलिए एक संख्या मैंने लिखी 15:60, तो इनका जो सम है वो कितना आ गया, 75 आ गया। इनका सम कितना आ गया, 75 आ गया। तो यानी कि अगर मैं ये देखू कि 15 और 60 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो 75 क्या करेगा, 75 को डिवाइड करेगा। यानी कि अगर 1 यूनिट बराबर 1 वाले, 1 यूनिट बराबर 1 ये वाला केस होता है, तो अगर ये वाला केस होता है तो मैं कहूंगा कि तब तो जैसे 60 और 15 कितना हो गया, 75 हो गया। 75 को डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको काट दिया, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 1:4, ठीक है। यानी कि काटने के बाद अगर हम देखें तो 4 और 1 5 क्या है, 5 भी इसको डिवाइड करेगा जी, बिल्कुल करेगा। देखो 75 को 5 भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे कि जी ये सब मैं समझा क्यों रहा हूँ, ये मैं समझा इसलिए रहा हूं दोस्तों, आप एक चीज देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा ये कितना था, 7 यूनिट था, और ये कितना था, 14 यूनिट था। अब हमने कहा कि अगर दोनों बर्तन हमारे बराबर हैं तो हमने इसको कितना बना लिया, 7 × 14 यूनिट इसको बना लिया, और 14 यूनिट मैंने इसको बना लिया। तो यानी कि जब मैं इन दोनों बर्तन को मिलाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा, जब मैं इन दोनों बर्तन को मिलाऊंगा तो 14 यूनिट का तो बर्तन हो गया ये, और 14 यूनिट का बर्तन हो गया ये, ठीक है। 14 और 14 कितना हो गया, ये 28 यूनिट हो गया। 14 और 14 कितना हो गया, ये 28 यूनिट हो गया। बात समझ में आ रही है, 14 और 14 कितना हो गया, 28 यूनिट हो गया। तो 28 का मतलब है, अब इनका जोड़ देखिए आप यहाँ पे, यानी कि हमने 14 ये मिलाया, 14 ये मिलाया, यानी कि 14 यूनिट ये और 14 यूनिट ये दोनों को मिलाएंगे तो मिला के कितना बना, 19 और 9 कितना बना, देखिए 28 यूनिट। 19 और 9 कितना बना, 28 यूनिट, क्लियर है। अब एक चीज और देखिए, ये 28 यूनिट है तो 19 और 9 ये भी कितना आ गया, 28 यूनिट। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 1 ही आ गया यहाँ पे। यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो रेशियो क्या है, यहाँ पे संख्या से इंडिपेंडेंट है। लेकिन सपोज करो कि यहाँ कोई और रेशियो होता, अगर कोई और रेशियो होता तो मान के चलो कोई भी रेशियो आया होता इनको जोड़ने के बाद, यहाँ पे सपोज करो ये 19 9 ना आके हमारा यहाँ पे ये 18 और 10 आया होता, ये 18 10 आया, तो 18:10 आया होता। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे, भाई इसको काट देंगे तो कितना बनेगा, ये 9 5 बनेगा। तो ये 9 5 क्या हो जाएगा, 9 5 देखिए, 9 5 कितना हो गया, 14 और 14 क्या करेगा, ये भी तो 28 को काटेगा भाई, ये भी तो 28 को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये चीजें अब आपको मैं क्वेश्चन में ही समझाऊंगा कि मैं ये बता क्यों रहा हूँ, इनका यूज क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से अपना, ठीक है। देखिए ध्यान से पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पढ़ देता हूं एक बार, देखिए, समान क्षमता वाले और दोनों पूरी तरह से भरे हुए 2 बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण क्रम से 5:1 और 6:5 के अनुपात में है। अब दोनों मिश्रण अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं, इस प्रकार प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, तो हमने यहां पे क्या करा, हमने 2 बर्तन लिए। सबसे पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, आप देखिएगा ध्यान से, ये 2 बर्तन हमने यहां पे लिए, ठीक है। और इन 2 बर्तन में जो आपका दिया गया है, इसमें दिया गया है दूध और पानी, यानी कि मिल्क एंड वाटर, यहां भी दिया है हमें मिल्क एंड वाटर। अब ये कितना है, 5:1 है, और ये कितना है हमारे पास, 6:5 है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कहा कि अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं, इन दोनों को अगर हम मिला दें, ठीक है, तो सबसे पहले ये वर्ड देखिएगा आप, ये क्या लिखा है, समान क्षमता। यहाँ पे देखिए, 2 वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, यानी कि दोनों की क्षमता कैसी होनी चाहिए प्यारे बच्चों, दोनों की क्षमता होनी चाहिए बराबर। सबसे पहले मैं आपको इसे डिटेल में बताता हूँ कैसे करना है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस वर्ड को ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका, समान क्षमता। और जब इसने समान क्षमता दे दी तो हम यहाँ देखेंगे 5 और 1 6 और 6 और 5 11, क्या इसमें कितना यूनिट है, 6 यूनिट, और इसमें कितना है, 11 यूनिट, यानी कि 11 यूनिट। अब बराबर तो ये है नहीं, बराबर नहीं, तो 11 और 6 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 66, यानी कि 66।
तो इसको क्या बना लेंगे हम, 66 बना लेंगे। देखो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से करेंगे तो 11 पंजे 55 हो जाएगा और 11 एकम 11 यानी कि 11 इंटू 1 11 ही रहेगा। और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36 और यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो ये आ जाएगा 30 यानी कि 30। ठीक है, अब देखिए ये रेशियो मेरे किसी काम के नहीं, आप इनको हटा सकते हो। ठीक है, अब जब हम ये दोनों बर्तन एक तीसरे बर्तन में मिलाएंगे तो यहाँ से दूध कितना आएगा, 55 आएगा और पानी कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, और यहाँ से दूध इस वाले बर्तन से कितना आएगा, 36 आएगा और यहाँ से कितना आएगा, 30 आएगा। तो मैंने कहा जी इसमें देखो दूध कितना है, 55 और दूसरे वाले बर्तन से मिल्क कितना आया, 36। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 91 और ये आ जाएगा आपका 41। अब 91 और 40 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। कहाँ पे है ये, सी ऑप्शन में है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, अगर आप मेरी क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक आप चेक करते हो, ध्यान से देखते हो, तो आपको बहुत कुछ नया भी मिलेगा और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये समझने में आसान है, ईजी है। और जिसको कोई भी क्वेश्चन आपका मिक्सर एंड एलिगेशन का जितना मैं बता दूंगा इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। तो मैंने कहा एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये 5:1 है 6:5 है, दोनों की कैपेसिटी बराबर थी तो 5 और 1 6 और ये 6 और 5 11, दोनों की कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 11 है। तो हमने कहा जी 11 6 का एलसीएम कितना बैठ गया, 66 बैठ गया, 66 हो गया। यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 और यहाँ 11 से करेंगे तो 11 एकम 11। और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हमें 6 से करनी पड़ेगी, 11 6 66 होगा तो 6 6 36 और 5 6 30 यानी कि 30। अब दोनों बर्तन को जब मिलाएंगे तो मिल्क यहाँ से 55, मिल्क यहाँ से 36, दोनों को मिला देंगे तो 91, वाटर यहाँ से 11 और वाटर यहाँ से 30, दोनों को मिला देंगे तो 41 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि 91:41 मेरा आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अब मैं आपको इससे पहले क्या बता रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था आपको, ध्यान से देखिएगा, ये कितना आ गया दोस्तों, 5 और 1 6, ध्यान से देखिएगा, और ये कितना हो गया, 6 और 5 11। अब मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ आपसे कि भाई इनका ये कैपेसिटी बराबर है, यानी कि दोनों अगर ये 6 लीटर का है तो ये भी 6 लीटर का बर्तन होना चाहिए और ये अगर 11 का है तो ये 11 लीटर का बर्तन होना चाहिए। कहानी समझ में आ रही होगी आप लोगों के। तो अगर यहाँ मैं देखता हूँ तो ध्यान से देखिए, इसमें 11 की मल्टीप्लाई करो आप, इसमें 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने का आ जाएगा, 11 6 66 और यहाँ 6 की करेंगे तो कितने का आ जाएगा, ये भी 66 और ये भी 66। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को किसी बर्तन में हम मिलाएंगे तो 66 और 66 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 132 यूनिट हो गया। तो ध्यान से देखना 132 यूनिट। अब ये बहुत काम की बात रिपीट कर रहा हूँ, बहुत आराम से रिपीट करूंगा, आप कान अपने आमिर खान की तरह करें, मैं ये वाक्य जो रिपीट कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, ये कितना आ गया, 132 यूनिट हो गया। 132 यूनिट का मतलब है कि जो भी इनमें से मेरा आंसर रहा होगा उसका जब हम सम करेंगे यानी कि जोड़ करेंगे, ठीक है, उसका जब क्या करेंगे, हम सम करेंगे यानी कि जोड़ करेंगे, तो या तो वो 132 होना चाहिए या वो 132 को डिवाइड करने वाला होना चाहिए। बात समझ में आ रही होगी, मैंने यही आपको बताया था, याद करो अभी थोड़ी देर पहले जो 15 और 60 वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था, वो इसीलिए दिया था कि इनका जोड़ है वो तो 75 को डिवाइड करेगा ही करेगा, और अगर हमने किसी वजह से इनको काट दिया होगा, इनमें कुछ भी कॉमन आ रहा होगा तो 1 4 तो 4 और 1 5 ये भी क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। और याद रखना 90% क्वेश्चनों के आंसर इन टाइप के क्वेश्चन जितने भी होते हैं 90% के बिना पेन के आंसर आ जाते हैं। अब ध्यान से बस आप लोग देखिए एक बार, तो मैंने कहा कि भाई 66 और 66 कितना हो गया, 132, यानी इनका जोड़ कितना बैठ गया, 132 बैठ गया, ठीक है, 132। अब अगर मैं 132 देखता हूँ तो ध्यान से देखिए, क्या ये जोड़ 132 है जी, बिल्कुल नहीं है। क्या ये 132 है, बिल्कुल भी नहीं है। SSC MTS 2022 का सवाल है, मैं इसमें पेन तक नहीं उठाऊंगा, और आपको भी मैं यही कहूंगा कि मेरे साथ आप काम करें तो आपको भी पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और क्या ये 132 है जी, बिल्कुल नहीं है, इसमें ये हमारा 132 है जी, बिल्कुल है, इसको हम आंसर मार्क कर देंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों की, इसको हम आंसर मार्क कर देंगे। और दूसरा अगर हम यहाँ देखें, चलिए ठीक है इतना इसमें काफी है, इसको हम क्या कर देंगे, आंसर मार्क कर देंगे। जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगा, यहाँ बताऊंगा। तो क्वेश्चन क्या होगा कि भैया एक कहावत है ना कि बुगला चला आंच की चाल अपनी भूल गया, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा तो फिर ये भी जाता रहेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बातें आपको जिस क्वेश्चन में जरूरत है उसी क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है। तो यानी कि कितना आ जाएगा, 91:40 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। अब यहां अगर हम देखते हैं, देखिए दो बर्तन है, एक बर्तन ये है और एक बर्तन ये है, ठीक है। कहता है बराबर क्षमता के दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 9:7 है,
एवं 5:3 है, और दोनों मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में मिला दिया जाता है, यानी कि इनको क्या करेंगे हम, एक तीसरे बर्तन में मिला देंगे, तीसरे बर्तन में मिला देंगे जी। अब तीसरे बर्तन में मिलाएंगे तो ये मिल्क है और ये वाटर है, ठीक है, और ये मिल्क है और ये कितना है, वाटर है, ठीक है, ये मिल्क है और ये वाटर है, ठीक है। यानी कि अगर हम कहें तो इसमें कितना है, 9:7 है, और इसमें अगर देखें तो कितना है, 5:3, 5:3 हमने यहां देखा, ये कितना आ गया, 9 + 7 = 16 यूनिट, और ये कितना है, 8 यूनिट। अब देख के बताइए, उसने कहा कि दोनों की जो कैपेसिटी है वो इक्वल है, दोनों की कैपेसिटी कैसी है प्यारे बच्चों, इक्वल है, लेकिन यहाँ पे एक 16 है और एक कितनी है, 8 है, तो दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, और जब दोनों को इक्वल करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 16 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा जी 16 हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 5 × 10, और ये हो जाएगा 3 × 6। अब देखिए, इस बर्तन को मिलाएंगे और इस बर्तन को इसमें मिलाएंगे, तो यहाँ से मिल्क कितना है, 9, और यहाँ से मिल्क कितना आया है, 10, और यहाँ से पानी कितना है, 7, और यहाँ से पानी कितना आ रहा है हमारे पास, देखिए 6। देखिए, जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो इसको आप काट जगह रो, ताकि ये कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई मिस्टेक हो जाए इस रेशियो की वजह से, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19, और ये आ जाएगा 7 और 6 = 13, यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 19:13 हमारा आंसर आ जाएगा, 19:13। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, मैंने बेसिक के तौर पे रखे हैं क्वेश्चन अभी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9 और 7 = 16, और 5 और 3 = 8, दोनों की सवाल में कहा गया है कैपेसिटी बराबर है, बराबर कर लेते हैं जी, 8 × 2 = 16, ये कितना हो गया, 16, यानी कि 5 × 10 = 3 × 6। अब इस बर्तन को मिलाएंगे, इस बर्तन को मिलाएंगे तो मिल्क कितना आएगा, 9, और यहाँ से मिल्क कितना है, 10, 10 और 9 कितना हो गया, 19, और यहाँ पानी कितना है, 7 है, और यहाँ पानी कितना है, 6 है, तो 7 और 6 कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका जो है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को पहले बहुत आराम से। समान धारिता वाले, यानी कि टू बॉटल्स ऑफ सेम कैपेसिटी, ठीक है, 35% एंड 33 whole 1/3 फुल ऑफ ऑरेंज जूस रेस्पेक्टिवली। यानी कि उसने कहा कि समान धारिता वाले दो बोतल क्रम से 35% और 33 1/3% संतरे के जूस से भरे हुए हैं, संतरे के जूस से भरे हुए हैं, उन्हें पूरी तरह सेब के जूस से भर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, इन्होंने कहा कि दो बर्तन लिए हैं और इनमें थोड़ा थोड़ा क्या डाल दिया, ऑरेंज जूस डाल दिया, यानी कि जैसे थोड़ा सा यहाँ तक इसमें जो है ऑरेंज जूस भर दिया, और बाकी जो बचेगा उसे किससे भरेंगे, एप्पल जूस से भरेंगे, यानी कि एप्पल के जूस से भरेंगे, ठीक है। और कहता है इसके बाद, फिर दोनों बोतल की सामग्रियों को, यानी कि जो दो हमारे पास, मान के चलो कि दो हमारे पास, एक ये है और एक और है, इन दोनों को एक तीसरे बर्तन में हमने मिला दिया, ठीक है। अब तीसरे बर्तन में इनको हमने मिला दिया, ठीक है। फिर कहता है, इस मिश्रण में मिलाने के बाद सेब के जूस का प्रतिशत कितना है, ये प्रतिशत है यहाँ पे, सेब के जूस का प्रतिशत कितना है ये हमें बताना है, सेब के जूस का प्रतिशत कितना है, तो ध्यान से देखिएगा। मैं इस क्वेश्चन को यहां कर देता हूं। इसने कहा कि देखे, एक बर्तन ये वाला है और एक बर्तन ये वाला है, ठीक है, और एक में 35%, एक में 35% क्या है, इसमें ऑरेंज जूस है, मैं लिख देता हूँ ऑरेंज एंड एप्पल, ये 35% है, तो ये कितना होगा, 65%, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ एक बार, सबसे पहले इसमें ये ऑरेंज जूस भरा गया है, और ऑरेंज जूस कितना है, ये 35% है, और अगर ये 35% है तो फिर इसमें क्या भर दिया, ये ऊपर एप्पल जूस भर दिया इसमें, तो अगर ये पूरा 100% है तो ये 35 है, तो ये कितना हो गया, 65% हो गया, 65% हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फिर आगे इसने कहा कि इस वाले में अगर हम देखें तो ये ऑरेंज और एप्पल, तो ध्यान से देखिएगा, अगर इस वाले में हम देखें तो ऑरेंज और एप्पल की अगर हम देखें, ऑरेंज और एप्पल, तो ये कितना है, इसमें 33 1/3% है, ठीक है। 33 1/3% का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है 1/3, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें 3 लीटर है, देखिए इस फ्रैक्शन का मतलब यही हुआ ना, कि अगर इस वाले बर्तन में ये 3 लीटर है, 3 लीटर यानी कि टोटल जो मिक्सचर है वो कितना है, 3 लीटर, तो उसमें एक क्या आ गया, ऑरेंज आ गया, तो एक क्या आ गया, ऑरेंज आ गया, तो एप्पल कितना बचा इसमें, सॉरी एप्पल बचा 2,
ठीक है, एप्पल कितना बचा, दो। एप्पल का जो जूस है वो कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अगर मैं यहां भी रेशियो में तब्दील कर दूं, से तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, और 5 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मैंने अपने पास से कुछ नहीं करना, मुझे तो जो सवाल में दिया गया है, जो क्वेश्चन में लिखा गया है, वही काम करना है बस। उसने कहा कि ये समान धारिता के हैं, यानी कि इनका जो वॉल्यूम है वो इक्वल है, कैपेसिटी इक्वल है इनकी, और इक्वल होने का मतलब है, आप देखिए इसकी कैपेसिटी कितनी है, 3, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 20, यानी कि 20। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 3 है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 20 है। तो 20 और 3 को अगर हम इक्वल करते हैं, और इक्वल करके हम इसे एक तीसरे बर्तन में हम इसको मिलाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें मल्टीप्लाई कितने की करते हैं, हम 3 की कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 21, और इसमें मल्टीप्लाई 3 की करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39, और इसमें 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑरेंज कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑरेंज हो जाएगा 20, और ये एप्पल कितना हो जाएगा, 40, यानी के 40। अब जब इनको मिलाएंगे तो ऑरेंज कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, ऑरेंज एंड एप्पल, ऑरेंज यहाँ से कितना हो गया, 21, और यहाँ से देखिए कितना है, 20, 20, 20 और 21 कितना हो गया, 41, और आगे देखिए 39 है, 39, और एप्पल यहाँ कितना है, 40 है। दोनों को मिलाएंगे तो कितना बनेगा, 79 यूनिट, यानी कि अगर देखिए तो ऑरेंज कितना है, 41 यूनिट है, और एप्पल जो है वो कितना है, 79 यूनिट है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, अब उसने बस इतनी सी बात हमें कही कि मिश्रण में सेब के जूस का हमें क्या बताना है, प्रतिशत बताना है, एप्पल का जो जूस है उसका हमें क्या बताना है, प्रतिशत यहाँ बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एप्पल कितना है, 79 है, लेकिन टोटल कितना हो गया, देखिए ये 120 हो गया, टोटल कितना हो गया, 120 हो गया, यानी कि 79 है और ये टोटल कितना हो गया, 120। तो अगर हम देखें कि एप्पल जूस 79 यूनिट है, कितने में है, 120 में, तो 100 पे निकालना है, यानी कि परसेंट में हमें बताना है। तो परसेंट का मतलब हो जाएगा दोस्तों, देखिए 0 से 0 गिर जाएगी, और 12 6 72, यानी कि 6 तो आएगा ही आएगा, 79 में से 72 जाएगा, तो कितना बचेगा, आप हमारे पास 7 बचेगा, 7 के साथ में एक जीरो लगी होगी, तो 12 5 5 बार कटेगा, 12 5 60, और 5 कहाँ पे, देखिए यहाँ पे है, यानी कि 65 सही, 5/6% मेरा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, यानी कि डी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बातें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, और कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए समान धारिता वाले 2 बोतल है क्रमशः, जिसमें ऑरेंज कितना था, 35 था, तो शेष जो एप्पल बचा वो कितना आ गया, 65, यानी कि 65। ठीक है, और दूसरे वाले में जो था वो संतरे का जो जूस था वो कितना था, 33 से 1/3, और 33 से 1/3 का मतलब होता है 1/3, इसका मतलब है कि अगर इसमें 3 लीटर है, 3 यूनिट है, तो उसमें एक हिस्सा ऑरेंज का और 2 हिस्से एप्पल के। ठीक है, उसने कहा कि दोनों की कैपेसिटी बराबर है, तो हमने देखा इसको रेशियो में बदलेंगे तो 7:30 13, और ये आ जाएगा 20 और 40। क्लियर है, तो देखिए ध्यान से, ये 20 था और ये 3 था, तो हमने क्या करा, 20 और 3 को क्या कर लिया, बराबर कर लिया, तो 20 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है, 3 से गुणा करेंगे तो 7 3 13 39, और यहाँ पे हम किससे गुणा करेंगे, 20 से, तो कितना आ जाएगा, 20 से कम 20, और 20 दूनी 40, इन दोनों को मिला दिया तो 21 और 20 कितना हो जाएगा, 41, 39 और 40 कितना हो जाएगा, 79। तो उसने पूछा एप्पल कितना है भाई, एप्पल का जूस जो है वो 79 यूनिट है, कितने में, 120 में है, तो 79 120 में, तो 100 में कितना है, 65 सही, 5/6%। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको ये समझ लीजिए कि ये बैकबोन है पूरे टॉपिक की, ये जो क्वेश्चन है ये पूरे टॉपिक की आपकी बैकबोन है। मैं क्या कहता हूँ आपसे, एक तो ये वाला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन कल की क्लास जो होगी आपकी, यानी कि शुरुआत में जो मैं कल आपको पढ़ाने वाला हूँ उस क्लास में, एक ये क्वेश्चन और एक वो वाला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन अगर आपके तैयार हैं तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अभी बताऊंगा मैं कल की क्लास में, अभी बता देता हूँ आपको, बल्कि जो कल वाली क्लास होगी, कल वाली क्लास, ठीक है, और प्लस ये वाला क्वेश्चन, यानी कि कल वाली क्लास में मैं पहला ही जो टाइप पढ़ाऊंगा, पहला टाइप वो और एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला, इन दोनों को मिला के आप प्रीवियस ईयर उठा के देखना कि अगर 100 क्वेश्चन मिक्सन एलिगेशन में पूछे गए तो 60 क्वेश्चन इन दोनों टाइप पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको पेपर के ही, एग्जाम के ही क्वेश्चन यहाँ पे दिखाऊंगा, कल का क्लास का वेट कीजिए, और कल की क्लास को बहुत, यानी कि आज की और कल की, ये दोनों क्लास से समझिए मिक्सर एंड एलिगेशन का बेसिक है, तो इसको छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, चलिए
अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको समझना है और मैं भी पूरा प्रयास करूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए दोस्तों, इसमें दो बर्तन दिए गए हैं, एक बर्तन ये है और एक बर्तन ये है, ठीक है। दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:4 है। मैं लिख देता हूँ मिल्क एंड वाटर, और यहाँ पे जो मिल्क एंड वाटर है वो किस रेशियो में है, हमारा 5:4 के रेशियो में, ठीक है। और इनको हमने मिलाना है किसके रेशियो में, यानी कि 1:4, 1:4। पहले मेरी पूरी बात सुनिएगा, ठीक है। पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसने बोला था कि दोनों बर्तन की जो कैपेसिटी है वो इक्वल है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं बोला गया है, ठीक है। इसमें बर्तन की कैपेसिटी कुछ भी हो सकती है, पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ बस, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि एक हमारे पास केतली है, ऐसा मान के चलिए कि हमारे पास क्या है, एक केतली है, एक जग है जो चाय से भरा हुआ है, ठीक है ना। एक जग है हमारे पास जो चाय से भरा हुआ है, अगर मैं उस जग में से इसमें चाय डालूंगा तो जो पूरे जग में चाय की मिठास है क्या वो इसमें भी होगी, इस कप में भी होगी, तो आप जवाब ढूंढिएगा, ठीक है। तो यानी कि इस जग में जो मिठास होगी, अगर मैं उसमें से एक बूंद भी निकालूंगा तो पूरे जग में जो मिठास है वो कप में भी होगी, चाय गिलास में होगी। जैसे मैंने कहा आपसे कि एक पेप्सी की बोतल है और पेप्सी में मान के चलिए 10% मिठास है। अब पेप्सी में से आप चाहे एक बूंद निकाले और चाहे आप मतलब जो है उसमें से एक कप निकाले, तो जो मिठास रहेगी वो कंसेंट्रेशन जो रहेगा वो 10% ही रहेगा। यानी कि अगर मैं एक जग में से चाय निकालता हूँ एक दूसरे कप में, ठीक है ना, एक कप में मैं मान के चलिए ये यहाँ से चाय निकालता हूँ, ठीक है, तो इस कप में क्या होगा, जो मिठास इस जग में है वही इसमें रहेगी। पहली तो बात ये समझे आप, ठीक है। हाँ, इस जग में मात्रा कम हो जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी, यानी कि थोड़ा सा जो जग का लेवल होगा वो नीचे आ जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे आप लोग, तो ध्यान से देखिएगा, वही काम हमें यहाँ करना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा, देखिए इस वाले बर्तन में से, इस वाले बर्तन से, ठीक है, मैंने क्या करा कि यहां से 1 लीटर, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इस वाले बर्तन से और इस वाले बर्तन को, ये बराबर नहीं है, हमें मिलाना कितना है, ये 1 और ये 4, समझ गया ना बात को। इसका ये मतलब हुआ कि उसने ये कहा कि जी इसका 1 लीटर तो इसके 4 लीटर, इसका 1 हिस्सा तो इसके 4 हिस्से। यानी कि ये कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है जैसे आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या कहा, भाई आपको जो है खांसी का सिरप दिया उसने, तो वो क्या कह रहा है आपसे कि भाई 1 चम्मच सिरप 1 स्पून और 2 चम्मच पानी, तो आप कैसे यूज करोगे, भाई 1 चम्मच सिरप से निकालोगे और 2 चम्मच पानी का डालोगे, यही तो होगा ना कि 1 हिस्सा इसका 2 हिस्से इसके। ऐसा तो नहीं करोगे भैया कि दवाई लेते टाइम तो आपने चम्मच का यूज कर लिया और पानी लेते टाइम आप कप का यूज करो कि चम्मच तो हमने 1 ली सिरप की और पानी मिला दिया 2 कप, ऐसे थोड़ी ना 1:2 हो जाएगा। 1:2 का मतलब है कि जिस बर्तन का प्रयोग मैंने खांसी का सिरप लेने के लिए किया, उसी बर्तन का प्रयोग मैं पानी को निकालने के लिए करूंगा, ठीक है ना, इनके पानी लेने के लिए भी मैं उसी बर्तन का प्रयोग करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस बर्तन, यानी कि इसका इस बर्तन का, देखो मैं नाम रख देता हूँ, ये पहला बर्तन हमारा ए बर्तन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए बर्तन और ये बी बर्तन। यानी कि अगर मैं ए बर्तन में से लीटर का प्रयोग कर रहा हूँ तो यहाँ पे लीटर का ही प्रयोग करूंगा, अगर मैं यहाँ बाल्टी का प्रयोग करूं तो यहाँ पे मैं बाल्टी का ही प्रयोग करूंगा, इसकी 1 बाल्टी तो इसकी 4 बाल्टी। अब आपको कोई भी बात में कहीं भी डाउट है तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल सोचिएगा, अपने आप दिमाग में आ जाएगी, और कोई भी डाउट है तो मुझे आप व्हाट्सअप कीजिए। तो मैंने कहा ध्यान से देखिए, अब मैं आपकी सुविधा के लिए ना, जरूरी नहीं है लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं लीटर मान लेता हूँ अभी, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ से 1 लीटर निकाल लिया, 1 लीटर जब मैंने इस वाले बर्तन में से निकाल लिया तो ये निकाल लिया, देखिए मैंने 1 लीटर, ठीक है, ये मैंने 1 लीटर निकाल लिया, तो इस 1 लीटर में ये पूरा मैंने भर दिया, ठीक है। इस 1 लीटर में जो मिल्क एंड वाटर है, ध्यान से देखिएगा, मिल्क एंड वाटर, इसका रेशियो कितना है, 3:4 है, तो ये 3:4 यहां भी रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो हाँ, ठीक है। यानी कि मिल्क इज टू वाटर का जो रेशियो कितना रहेगा, 3:4 यहां भी रहेगा, क्लियर हो गई बात। अब आगे देखिए, फिर मैंने 1 लीटर यहां से निकाला, 1 लीटर यहां से निकाला, देखिए ये 1 लीटर मैंने यहां से निकाला। अब 1 लीटर यहां से निकाला तो इसमें भी जो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना रहेगा, 5:4 रहेगा। अब दोस्तों एक चीज देखना आप लोग, अब इस बर्तन, इनसे मुझे मतलब नहीं है अभी, ठीक है, इनको आप हटा दो। अब ये भी 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है, ठीक है, ये भी 1 लीटर, ये भी 1 लीटर, ठीक है। और आप खुद बताइए मुझे ये कितना हो गया, 4, 3, 7 यूनिट है, ध्यान से देखिएगा, ये कितना है, 4, 3, 7 यूनिट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 7 यूनिट का है
और यहाँ अगर देखें तो 5-4 ये कितने का है, 9 यूनिट का है। तो आप मुझे सोच के बताइए, जैसे मान के चलो कि मैंने कहा ये मेरा 1 लीटर है, 1 लीटर में मैंने कहा जी ये कितना है, 7 यूनिट आया, तो यहाँ भी तो 7 ही यूनिट आना चाहिए। इसमें से जब हम निकालेंगे तो इसमें भी तो ये 7 ही यूनिट होना चाहिए ना, यानी कि ये लीटर और ये लीटर ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए आपस में। और जब ये दोनों बराबर है तो ये 9 यूनिट है, और यहाँ पे मिश्रण देखे कितना है, 7 यूनिट है, तो इनको भी तो बराबर होना चाहिए। तो यानी कि मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन को मैं फुल डिटेल में आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए, बार बार मैं इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 7 है और ये 9 है, तो मैंने कहा 9 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो 63 का मतलब है कि मैं यहाँ किससे गुणा करूंगा जी, 9 से गुणा करूंगा, और यहाँ किससे गुणा कर दूंगा मैं, 7 से गुणा करूंगा, तो हो जाएगा 7×5=35 और ये हो जाएगा 7×4=28, ठीक है। और इसकी बात करें तो हो जाएगा 9×3=27 और 9×4=36। अब आगे कहानी देखिए, अब मैंने कहा जी इसका जो मैंने 1 लीटर निकाला उसमें कितना हो गया ये 63 यूनिट, और इसका जो मैंने 1 लीटर निकाला उसमें भी कितना हो गया 63 यूनिट। हम ये कह सकते हैं कि 1 लीटर में कितना आ रहा है, 63 यूनिट मिश्रण आता है। 1 लीटर में कितना आता है, 63 यूनिट मिक्सचर हमारा आएगा। ये बात बताएं आप लोगों की क्लियर हो गई क्या, ठीक है। अब आगे देखें, अब हमने करना क्या है जी, इसका मिलाना है 1, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, पर जो इसका मिलाना है ना, मैं देखो इस वाले का, इसका हमें 1 लीटर नहीं मिलाना, ये 1 लीटर है, हमें मिलाना कितना है इसका, 4 लीटर। तो यहाँ क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ किससे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं कहूंगा आपसे जी ये कितना हो जाएगा, 27 से कम 27, ध्यान से देखिए 27 से कम 27 और 36 से कम 36, और इसकी अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 35×140 और ये हो जाएगा 28×112। अगर इनको जोड़ते हैं तो आ जाएगा 148 और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 167। इसका मतलब है कि इसका हमने 1 लीटर लिया, इसका 4 लीटर, या इसका एक हिस्सा इसके 4 हिस्से, तो हो जाएगा 167:148, यानी कि 148। मैंने आपको बता दिया मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है आपका ये, इसलिए इतना डिटेल में आपको बता रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये 63 यूनिट और ये 63 यूनिट, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने इस रेशियो को दोनों को बराबर क्यों किया है। बराबर इसलिए क्या क्यों किया है, क्योंकि मैंने यहां से भी 1 लीटर निकाला, यहां से भी 1 लीटर निकाला, तो दोनों क्या हो गए, 1-1 लीटर हो गए। दोनों कितने हो गए हमारे, ये 1-1 लीटर हो गए। 1-1 लीटर होने की वजह से ही मैंने कहा कि जी ये भी 1 लीटर हो गया, ये भी 1 लीटर हो गया। तो रेशियो को हम बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको 1-1 लीटर बनाना है। क्लियर है, आपकी सुविधा के लिए मैं लीटर यूज कर रहा हूँ, आपकी सुविधा के लिए मैं बार बार क्या है लीटर वर्ड का यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये रेशियो में होता है, रेशियो का कोई मात्रक नहीं होता, लीटर वगैरह कुछ भी, ठीक है, पर आपको समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, अब एग्जाम में क्या इतना तामझाम करना, नहीं भाई इतना नहीं करना है एग्जाम में तामझाम। अब सुनना बात को, एग्जाम में क्या करना है, ठीक है। अब एग्जाम में हमने क्या करना है, ये सब मैंने हटा दिया यहां से, ठीक है, ये सब मैंने हटा दिया। ये तो आपको डिटेल बताना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में तो इनकी कमी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, जब आप प्रैक्टिस पे आओगे तो कमी जरूरत पड़ेगी आपको। तो ध्यान से देखिएगा, अब एक बात मुझे पता चल गई कि जी मैं इसका भी 1 लीटर निकालूंगा, इसका भी 1 लीटर निकालूंगा, तो पहले वो रेशियो तो बदलेगा नहीं, रेशियो तो यही रहेगा, तो वो बराबर तो हो, तो बराबर करने के लिए क्या करूंगा, 5×4=9, 4×3 कितना हो जाएगा, 7। इधर 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इधर जब हम 9 से गुणा करेंगे तो मैंने कहा जी ये हो जाएगा 27 और 36, ठीक है, और ये यहाँ पे 5×4=9 है, तो यहाँ 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 और ये 28, ठीक है। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, तो आप उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये हमारा आ गया, रेशियो बराबर कर लिया हमने, ये देखो ये क्या कर लिया हमने, रेशियो बराबर कर लिया, और रेशियो बराबर कर लिया तो जी इसका मिलाना 1 लीटर, तो 1 से गुणा कर देंगे, यानी कि 27 36, और ये 4 लीटर मिलाना है तो 4 से गुणा कर देंगे, यानी कि 140, और ये 28 हो जाएगा आपका 112, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 148 और ये आ जाएगा 167। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हर एक क्वेश्चन में इतनी डिटेल में नहीं करूंगा, ठीक है, ये तो मैंने आपको डिटेल बता दी इसकी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से देखिएगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा कैसे। देखिए दोस्तों, मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ता, एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ते का अनुपात है 3:4, यानी कि 3:4 और 5:9, ठीक है। अब पहले वाले का देखिए, ये जो पहला बर्तन है इसमें से कितना लिया गया, 2 लीटर, और ये जो दूसरे वाला है इसमें से कितना लिया गया, 3 लीटर,
समझ में आ रही होगी आप लोगों के बात, अब ध्यान से देखिएगा। ये हो गया 4, 3, 7 और ये होगा 9 और 5, 14 यूनिट। तो मैंने कहा थी जब इसका भी 1 लीटर लेंगे और इसका भी 1 लीटर लेंगे, फोकस रखिए, इसका भी 1 लीटर और इसका भी 1 लीटर, तो ये 14 यूनिट के होने चाहिए दोनों। तो इसको 14 यूनिट का बना लिया मैंने, 14 यूनिट होने चाहिए, बल्कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 लीटर कितने का हो गया, 14 यूनिट का हो गया, और लीटर कितने, 3, 2, 5, तो 14 पंजे कितना हो गया, 70 यूनिट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से बताता हूँ। ये 7 यूनिट है, 14 यूनिट है, इसको 14 यूनिट बनाएंगे तो ये भी 14 यूनिट का हो जाएगा, ये भी 14 यूनिट का। इसका मतलब है कि जो 1 लीटर है ना मेरा, 1 लीटर कितने का हो गया, 14 यूनिट का हो गया, और पहले वाले के 2 लीटर और दूसरे वाले के 3 लीटर, तो कितना हो गया, 3 और 2, 5 लीटर हो गया मेरे पास। तो मैं कहूंगा प्यारे बच्चों कि 1 लीटर में कितना आता है, 14 यूनिट आता है, 1 लीटर में कितना आता है, 14 यूनिट आता है, तो 5 में कितना आ जाएगा, 14 पंजे 70 यूनिट, कितना आ जाएगा, 70 यूनिट। तो यानी कि मैं ये देखूंगा कि 70 यूनिट किसी का जोड़ है क्या। ठीक है, तो 70 यूनिट अगर मैं देखूं तो भाई 70 यूनिट जो है, देखिए इनका जोड़ आ रहा है 70 यूनिट, 27 और कितना ये 43, ठीक है ना, इनका जोड़ कितना है, देखिए 70 यूनिट आ गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। बस इतना काम करके मैं आंसर मार्क कर दूंगा। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे एक सावधानी और रखनी है आपको, हो सकता है कि कोई ऐसा रेशियो आया हो जिसे काटने के बाद वो छोटा हो गया हो, और मैंने कहा था कि छोटा भी होगा तो वो 70 को तो काटेगा ना, तो 5 और 3, 8, ये तो 70 को नहीं काट रहा, 13, 8 कितना हो जाएगा, ये भी 70 को डिवाइड नहीं कर रहा भाई, सॉरी 21 होगा, 13 और 8, 21, ये भी 70 को डिवाइड नहीं करेगा, और 11, 9, 20 ये भी नहीं करेगा। तो यानी कि अगर मैं दूसरे तरीके से भी देखता हूँ तो भी मेरा वेरीफाई कौन सा हो रहा है, डी ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, तो एग्जाम में तो मैं इस तरीके से कर लूंगा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये भी 14 यूनिट का, ये भी 14 यूनिट का, यानी कि 1 लीटर कितने का हो गया, 14 यूनिट का हो गया, 14 यूनिट का हो गया, इसका पहले वाले का 2 लीटर, दूसरे का 3 लीटर, तो 3, 2 कितना हो जाएगा, ये 5 लीटर हो जाएगा, 14 पंजे 70, यानी कि 5 लीटर में कितना आना चाहिए, 70 यूनिट, यानी कि 70 यूनिट, और 70 यूनिट किसका जोड़ है मेरा, 27, 43, देखो इनको जोड़ के देखोगे तो 70 यूनिट आ जाएगा, इसको आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन अलग अलग है तो एक बार देख लो, 5 और 3, 8 उसको डिवाइड तो नहीं कर रहा, 13, 8, 21 ये भी उसको डिवाइड नहीं कर रहा है, और 11, 9, 20 ये भी उसको डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं डिटेल में, अब आते हैं डिटेल में, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब जब हम डिटेल की बात करेंगे तो एक बर्तन ये है और एक बर्तन ये है, ये 3:4 है और ये आपका 5:9 है। मैंने इसका भी 1 लीटर निकाला, इसका भी 1 लीटर निकाला, तो 1 लीटर बराबर होना चाहिए। अब आपको ये पता होगा कि हम इस रेशियो को बराबर क्यों करते हैं, बराबर करने का मतलब होता है कि दोनों से, यानी कि जब मैं इसको, जब मैं इनको एक तीसरे बर्तन में मिलाऊंगा तो इसका मिलाना है 2 लीटर और इसका मिलाना है 3 लीटर। तो बराबर करने का मतलब है कि जिस वेसल का या जिस बर्तन का प्रयोग मैं इसमें से 2 हिस्से निकालने में करूंगा, उसी बर्तन का यूज में यहां करूंगा, तो दोनों में वो क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा, और आपकी सुविधा के लिए मैंने वो कितना माना है, लीटर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब ये हो गया 9 और 5, 14 यूनिट हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका, 7 यूनिट हो जाएगा। तो हमने करना क्या है जी, बस अब 14 और 7 इसको बराबर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6 और ये हो जाएगा 4 × 2 = 8। इसको हटा दो, अब इसकी जरूरत हमें नहीं है। अब देखो इसका हमें 2 लीटर लेना है, तो हो जाएगा 6 × 12 और कितना हो जाएगा, 8 × 16 और इसका हमें कितना, ये तो 9 और 5 पहले से ही 14 है, 9 और 5 पहले से ही ये कितना है, 14 है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यानी कि अगर हम देखें तो 3 पंजे कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और यहाँ देखें तो 3 × 9 = 27 हो जाएगा, तो 15 और 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 27 आ जाएगा, और इसको देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इनको इनको ऐड करेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। देखिए 12 और 15 = 27 हो जाएगा, 16 और 27 = 43 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखें ये 3, 4 है, ये 5, 9 है, 3, 4 है, ये 5, 9 है, ये 4, 3 कितना हो गया, 7, और ये 9 और 5 कितना हो गया, 14। ठीक है, यानी कि 14। तो मेरा आपसे, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं बच्चे, मेरा उनसे एक सवाल कि भाई हमने इनको बराबर क्यों किया है, ये 7 है, ये 14 है, बराबर इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ से भी लीटर निकाला, यहाँ से भी लीटर निकाला, यानी कि दोनों से सेम बर्तन का हमने यूज किया। बात कहानी समझ में आ रही है आप लोगों के ये, ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो अब इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं बाकी। तो ध्यान से देखिएगा, इस वाले का हमें कितना लेना है, 2 लीटर, और 1 लीटर में कितना आता है, 14 यूनिट, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 12 = 8 × 16, और यहाँ देखेंगे तो ये पहले से कितना है, 14 है, तो इसका 3 लेंगे, 3 यूनिट, 3 लीटर, 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15, और 3 में कितना हो जाएगा आपका, 27। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 12 और 15 = 27, 16 और 27 कितना आ जाएगा, 43। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान पूर्वक। एक मिश्रण में दूध और पानी, देखिए एमटीएस 2019 में पूछा गया सवाल है, और देख लो इन सवालों की क्या, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचते हैं तो इन सवालों की औकात देखना, बड़े बड़े क्वेश्चनों को ना सेकंडों में उड़ा देंगे। बस आप आज और कल की क्लास, यानी कि ये जो नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी और ये वाली, इनको बहुत इत्मीनान से, आप ये ना सोचे कि मैं कुछ ज्यादा चीजें बता रहा हूँ या एक बात को दो बार रिपीट कर रहा हूँ, बस उसे सुने आप, बात समझे कि नहीं। और दो क्लास के बाद आप देखना मैं यहीं पे सारे क्वेश्चन लूंगा, जितने भी आपके बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जिनमें आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, उन्हें देखना हम कैसे करेंगे, आप कैसे हैंडल करेंगे। तो देखिए, एक मिश्रण में दूध और पानी आयतन के दृष्टिकोण से 8:3 के अनुपात में है। यदि इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, यानी कि 3 लीटर और मिला दिया जाए, तो दूध और पानी का नया अनुपात 2:1 हो जाता है। आरंभ में मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा क्रम से कितनी थी? एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना बच्चों, जैसे मान के चलो कि यहाँ एक क्लास चल रही है, एक क्लास है ये, और इसमें ये बच्चे बैठे हुए हैं, क्लास में ये बच्चे बैठे हुए हैं एक्स वाई जेड जो भी है। मैंने कहा कि इसमें जो लड़कियां हैं, गर्ल्स, ध्यान से समझना, गर्ल्स की संख्या इस क्लास में 30 है और बॉयज की संख्या इसमें मान के चलो 20 है। इस क्लास में गर्ल्स कितनी है? 30 है, और बॉयज कितने हैं? 20 है। अब मुझे सोच के बताना, अगर यहाँ 5 लड़के और आ जाए, 5 बॉयज आर एडिड, यानी कि 5 लड़के और आ जाए, तो संख्या किसकी बढ़ेगी? ऑब्वियस है, लड़के कितने हो जाएंगे? 25। क्या लड़कियों की संख्या पे कोई फर्क पड़ेगा? अब इस कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे बताता हूँ कि इसमें 5 लीटर दूध है, ठीक है, और 2 लीटर पानी है। मैंने कहा एक बर्तन है, इसमें 5 लीटर दूध है और 2 लीटर इसमें पानी है। मैं लिख देता हूं, 5 लीटर इसमें दूध है, ठीक है, ये सुनिए, 5 लीटर इसमें क्या है? दूध है, और 2 लीटर इसमें पानी है। तो आप मुझे सोच के बताए, अगर मैं 2 लीटर पानी और मिला दूं, यानी कि 2 लीटर पानी और मिला दूं, ठीक है, तो भारतीय महिलाओं के अनुसार तो 5 और 4 9 लीटर दूध हो जाएगा हमारे पास, बात समझे कि नहीं। पर सच्चाई ये है कि गणित के अनुसार दूध तो 5 ही रहेगा, बस मात्रा किसकी बढ़ जाएगी? पानी की बढ़ जाएगी, यानी कि जो दूध है वो पतला होता चले जाएगा, उसका कंसंट्रेशन जो होगा दूध का वो घटता चले जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? हल्का पड़ता चला जाएगा, लाइट हो जाएगा, पतला हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। उसका गाढ़ापन कम होता चला जाएगा अगर उसमें पानी मिलाएंगे, तो इसके मतलब है पानी मिलाएंगे तो पानी की ही मात्रा बढ़ेगी ना, दूध पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्लियर है बात इतनी? तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं इसमें पहले बताऊंगा आपको एग्जाम का तरीका, यानी कि बहुत ध्यान से देखिएगा एग्जाम का तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान से देखिए। उसने कहा है कि दूध और पानी का जो रेशियो वो कितना है? 8:3 है। तो ध्यान से देखिएगा, क्या ये 8:3 का रेशियो है? दूध कितना है इसमें? 24 लीटर, और ये 9 है। हाँ जी बिल्कुल है, 8:3 का रेशियो है। देखिए ये 8:3 का रेशियो है, 3 8 और 3 3, यानी कि 8:3 आ जाएगा, ठीक है। क्या ये 8:3 है? हाँ जी ये भी 8:3 है। क्या ये 8:3 है? नहीं ये 8:3 नहीं है। क्या ये 8:3 है? हाँ जी ये भी 8:3 है। हमारा आंसर नहीं आया अभी, बात समझ रहे हो? अब ध्यान से देखिएगा, उसने कहा कि अगर 3 लीटर पानी मिला दें, 3 लीटर पानी मिला दें तो रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। तो आप इसमें एक काम कीजिएगा, ये देखिए 24 लीटर है ना, ये 9 लीटर पानी है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 24 लीटर दूध है ना, ये दूध, और 9 लीटर पानी है, इसमें 3 लीटर पानी मिला दो, 3 लीटर पानी मिलाते कितना हो जाएगा? 12 लीटर। तो रेशियो क्या बन जाएगा? 2:1 बन जाएगा। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2:1 हमारा वेरीफाई हो गया और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये आंसर नहीं होंगे, ठीक है। और ऐसा 2 ऑप्शन में कभी हो नहीं सकता, अगर 2 ऑप्शन में होगा तो आंसर ही 2 हो जाएंगे। क्लियर है? आपको ज्यादा वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, देखिए सबसे पहले तो मैं देखूंगा प्रारंभ में 8:3 का रेशियो कहाँ पे है। तो 8:3 का रेशियो पहले वाले ऑप्शन में था, पहले वाले ऑप्शन में भी 8:3 है, दूसरे वाले में भी 8:3 है, तीसरे में नहीं था, इसमें 8:3 था। लेकिन फिर उसने कहा कि अगर 3 लीटर पानी हम मिला दे, और मिला दे 3 लीटर पानी, तो दूध कितना है? 24 लीटर, पानी कितना है? 9 लीटर। इसमें 3 लीटर पानी मिला दो तो पानी कितना हो जाएगा? 12 लीटर हो जाएगा। पानी कितना हो जाएगा? 12 लीटर। यानी कि ये रेशियो कितना बनेगा दूध और पानी का? 2:1 बनेगा। और यही बात उसने करी है कि 2:1 रेशियो हो जाता है 3 लीटर पानी मिलाने के बाद, ठीक है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, यानी कि हमारा वेरीफाई कौन सा हो गया? पहला हो गया। तो बाकी सबको क्या करेंगे? हटा देंगे, ठीक है। अब आते हैं जरा एक बार डिटेल में, ध्यान से देखिएगा। अब अगर डिटेल की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, इसको यहां ले लेते हैं। देखिए एक बर्तन है, ये 8:3 है, ठीक है,
ये मिल्क है और ये वाटर है, ठीक है। और हमने इसमें क्या मिलाया, पानी मिलाया, और पानी कितना मिलाया, 3 लीटर मिलाया। तो आप मुझे बस ये बात सोच के बताइए, फिर से मैं वही बात करूंगा कि हमने इसमें क्या मिलाया, पानी मिलाया दोस्तों। रेशियो कितना बन गया, ये 2:1 हो गया, 2:1 हो गया। रेशियो कितना हो गया, 2:1 हो गया। तो मिलाया क्या है हमने, मिलाया है देखो ये पानी मिलाया है हमने, क्या पानी, तो पानी की ही मात्रा में परिवर्तन होना चाहिए। पानी मिलाया तो पानी की मात्रा में परिवर्तन होना चाहिए, जबकि जो मिल्क है यहाँ कितना है, 8 है, और यहाँ कितना है मिल्क, 2 है। तो मिल्क को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए क्या करेंगे भाई, हवन करेंगे, नहीं भाई गुणा करेंगे, ठीक है। किससे गुणा करेंगे, 4 से, तो 4 × 2 = 8, और ये 4 × 1 = 4, ये हटा दो। अब देखो पानी कितना बढ़ गया हमारा, 1 यूनिट, और मिलाया कितना था हमने, 3 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 3 लीटर आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 लीटर आ जाएगा। तो 8 यूनिट का वैल्यू, यानी कि मिल्क कितना है यहाँ पे देखिए, 8 यूनिट, 8 यूनिट का मतलब मिल्क कितना है, 24 लीटर है। 24 लीटर एक ही ऑप्शन में है, मार्क कर देंगे, आगे भी करना है तो ये 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 लीटर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये पेन फ्री क्वेश्चन है सारे। दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का जो अनुपात है वो कितना है, 3:2 है। यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1, 1:1 का मतलब है दोस्तों, कभी कभी आपको ऐसे भी बोलेगा कि वो आधा दूध और आधा पानी चाहता है, ठीक है। यानी कि 1:1 का मतलब है आधा दूध और आधा पानी, या वो ये भी कह सकता है कि रिजल्टेंट मिक्सर में जो परिणामी मिश्रण है हमारा, उसमें दूध और पानी बराबर मात्रा में हो गए, ऐसा भी बोल सकता है, ठीक है। तो मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए, चलो देखिए। वैसे तो सवाल ये पेन फ्री है, लेकिन कर लेते हैं एक बार। देखिए ये बर्तन है एक, और इस बर्तन में ये मिल्क है और ये वाटर है। तो मिल्क और वाटर कितना है, 3:2 है, 3:2 है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसने कहा कि इसमें क्या मिलाया, हमने देखिए दूध और पानी था, यदि दूध और पानी का मात्रा ये करने तो मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे पानी कितना मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1:1। तो फिर से मैं आपसे वही बात शेयर करूंगा, फिर से वही बात कहूंगा, यानी कि हमने मिलाया क्या है इसमें, पानी, और पानी मिलाया है तो पानी की ही मात्रा बढ़ेगी। तो पानी की मात्रा कितनी है यहाँ पे, 2 है, ठीक है, और दूध की कितनी है, 3 है। तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, दूध की थोड़ी बढ़ जाएगी, तो दूध कितना है, 3 है, तो 3 कर लो भाई यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे है, यहाँ पे दूध कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3:3, ठीक है। तो आप मुझे सोच के बताइए पानी कितना बढ़ गया, 1 यूनिट, पानी कितना बढ़ जाता है, 1 यूनिट। और देखिए जो शुरुआत में मिश्रण था हमारा वो कितना था, 3 × 2 = 5, और इस 5 का वैल्यू कितना है, 60 लीटर है। 5 का वैल्यू 60 लीटर है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 लीटर हो जाएगा, 12 लीटर हो जाएगा, और 12 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 12 लीटर, यानी कि 12 लीटर SSC MTS 2019 ऐसे फुद्दू से क्वेश्चन आते हैं। मैं कह रहा हूँ आपसे कि भैया आप थोड़ी सी बस तैयारी में ना, जब तैयारी कर रहे हो, अपनी रणनीति बना रहे हो, तो वहां पे आपको डरना नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना है, ठीक है ना। आप ये कहें कि मुझे डेली बड़े टारगेट ना बनाए, पहले दिन अपने रजिस्टर पे टारगेट लिख ले अगले दिन का, ठीक है, या आप 30 क्वेश्चन पे काम करो, ओनली 30 क्वेश्चंस डेली, ठीक है। आप देखो एक महीने में अगर देखोगे तो 900 क्वेश्चंस बैठते हैं, और आपका दिमाग, जैसे हम जिम में जाते हैं पहले दिन हम कितना वजन उठाते हैं, 5 किलो 10 किलो, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब 3-4 महीने जिम करते हो जाएंगे तो हम 100 किलो वजन भी उठा लेंगे। पहले दिन 30 करोगे ना क्वेश्चन, पहले दूसरे तीसरे एक महीना 30-30 क्वेश्चन पे काम करो आप, पहले इंटरेस्ट लेके आओ अपने अंदर, ठीक है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चनों को करने का। तो धीरे धीरे आप एक दिन में 100-100 क्वेश्चन भी करोगे, शुरुआत में 20 क्वेश्चन करने में 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि भैया 2 घंटे में आप जो है 150-200 क्वेश्चन उड़ा दोगे, ठीक है। तो यही सवाल है, बताओ सारे पेपर के ही क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन रखे हैं सारे एग्जाम के क्वेश्चन आप देखते रहिए, और ज्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं उठाए मैंने। ये देखिए 2022 SSC CGL 2022 का क्वेश्चन है। अब देखिए एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो क्रम से 5:3 है। 7 लीटर पानी मिलाने पर दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा हमें बतानी है कितनी है, मिश्रण में दूध की मात्रा हमें बतानी है कितनी है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, सवाल पेन फ्री है बिल्कुल, ज्यादा कुछ करना है नहीं इसमें आपको। एक बर्तन है देखो ये हमारे पास, इसमें दूध और पानी कितना है, मिल्क और वाटर जो है वो है 5:5:3 के रेशियो में,
ठीक है। तो हमने 7 लीटर पानी मिला दिया, यहाँ देखिए ये क्या मिला है हमने, 7 लीटर पानी, 7 लीटर पानी मिला दिया। तो फिर से वही बात कहूंगा, पानी मिला रहे हैं, दूध थोड़ी मिला रहे हैं, तो यहाँ देखिए कितना हो गया, 1, 2, और करना कितना है, ये 5 है तो इसको भी 5 बना लो, तो 5 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, पानी देखो कितना बढ़ गया, 7 यूनिट, और मिलाया कितना है 7 लीटर, तो 7 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 लीटर, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 1 लीटर हो गया, ठीक है, 1 यूनिट बराबर 1 लीटर हो गया। तो दूध कितना है 5 है, 5 यूनिट का मतलब हो जाएगा 5 लीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 5 यूनिट का मतलब कितना हो गया 5 लीटर हो गया, ठीक है। तो दोबारा से रिपीट कर देते हैं, दूध और पानी कितना है 5, 3 है, मिलाया क्या है हमने, पानी मिलाया है, और जब हमने पानी मिलाया है तो ध्यान से देखिएगा जो दूध है वो कितना है 5 है, तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, और यहाँ भी अगर 5 होना चाहिए तो इसमें 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 5, 10 हो गया, इस रेशियो को हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो गया, आप देखो कितना बड़ा पानी यहाँ पे 7 यूनिट बढ़ गया, 7 का मतलब हो गया 7 लीटर, 1 का मतलब हो गया 1 लीटर। तो पानी यानी कि दूध कितना है 5 है, दूध की मात्रा पूछिए वो कितनी होगी 5 लीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे सामने, देखिए इसने कहा ₹80 प्रति किलोग्राम और ₹50 प्रति किलोग्राम की गेहूं को 1:2:3, ठीक है, 1:2:3 के अनुपात में तीसरी, ये किस्त नहीं किस्म है, तीसरी किस्म के गेहूं के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य ₹75 प्रति किलोग्राम है तो तीसरी किस्त नहीं है, यहाँ पे किस्म है, तो तीसरी किस्म की गेहूं प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, देखिए प्यारे बच्चों ये 80 रुपया वाला है और यहाँ देखे तो 50 रुपया वाला है, और आगे देखे तो हमें नहीं पता हमने उसका प्राइस कितना मान लिया, हमने उसका प्राइस पी मान लिया, तीसरे वाले का पी मान लिया, हमें नहीं पता वो कितना है, ठीक है। पहले वाला कितना मिलाया 1 किलो, दूसरा मिलाया 2 किलो, और ये मिला हमने 3 किलो, तो कितना किलो हो गया भाई, अगर हम देखें तो ये हो गया 3, 2, 5, 1, 6 किलो, तो 6 किलो का प्राइस कितना हो गया, ये 80 हो गया, ये 50 × 100 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3P हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ दो भाई, अगर इनको हम जोड़ दें तो इसने कहा कि जो मिश्रण है ना, जो मिश्रण है पूरा मिश्रण कितने का हो गया 3, 2, 5, 1, 6 किलो, मिश्रण कितना हो गया 3, 2, 5, 1, 6 किलो, इस मिश्रण का जो औसत प्राइस है, जो एवरेज प्राइस है, ठीक है, तो इसका जो एवरेज प्राइस है वो एवरेज प्राइस कितना हो गया, एवरेज प्राइस हो गया 75, तो यानी कि हम कहेंगे कि 75 × 6 कर दो भैया, तो 6 किलो कितने का पड़ेगा हमें, ये देख लो भाई 6×7 = 42 हो गया और 6×5 = 30 हो गया, यानी कि पड़ेगा मुझे 450 में, कितने का में पड़ेगा, ये मुझे 450 में पड़ेगा, तो भाई 100 और 80 कितना हो गया 180, 180 को उधर लेके जाओगे आप तो कितना बचेगा, देखियो 100 और 80 कितना हो जाएगा 180, 180 को उधर ले जाओ आप, तो यानी कि 3P का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 3P का वैल्यू आ जाएगा 270, और P का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, P का जो वैल्यू है वो आ जाएगा हमारे पास 90, P का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, 90 कहाँ पे है, ये रहा भाई 90 यहाँ पे है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए एक बार और, पहले का प्राइस कितना है 80 रुपये पर केजी, दूसरे का कितना है 50 रुपये पर केजी, और तीसरे का कितना है पी, पहले वाला 1 किलो, दूसरे वाला 2 किलो, तीसरे वाला 3 किलो, इनका ये 80 × 80, 50 × 100, ये 3P हो गया। अब एवरेज प्राइस कितना पड़ रहा है हमारे साथ, एवरेज प्राइस पड़ रहा है हमें 75 रुपया, तो 75 × 6 तो टोटल कितना बैठ गया 450 आ गया, देखो एवरेज प्राइस में पड़ा है 75 एक किलो का, तो हमारे पास तो 6 किलो है, 6 किलो का मतलब हो जाएगा 75 × 6, बात समझ में आ गई, तो ये कितना आ गया 450, तो ये 100 और 80 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, और 180 होने का मतलब है कि 180 को आप उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा 270, ठीक है, तो 3P का वैल्यू कितना आ जाएगा 270, और P 3 से काटेंगे 3×27 कितना आ जाएगा 90। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको क्लियर रही होगी, क्योंकि सवालों में दम है ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये देख लीजिएगा CGL 2022 का क्वेश्चन है, आगे देखिए CHSL 2020, देखिए इसने कहा है कि दूध और पानी के 56 लीटर, दूध और पानी के 56 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है 5:7 है, दूध और पानी के अनुपात को 7:2 करने के लिए मिश्रण में कुछ मात्रा में
दूध मिला जाता है तो नए मिश्रण में मौजूद दूध की मात्रा क्या होगी? ठीक है, चलिए नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी, नए मिश्रण में, ठीक है, तो नए मिश्रण में दूध कितना है? सात है, सात से ये नहीं कट रहा, ये नहीं, ये नहीं, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? दोबारा से देख लीजिए, दूध कितना है? सात है, एक ही ऑप्शन कट रहा है, सात अटे छप्पन, कहानी खत्म क्वेश्चन। पर मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि जब तक उनका पेन ना चले, ठीक है, जब तक एग्जाम में क्या होता है कि जब तक वो क्वेश्चन पूरा वेरीफाई नहीं होता है तब तक उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती कि हम गणित पढ़ रहे हैं या गणित के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे ही मान के चलो कि पूरा हमने पांच चार लाइन लिखेंगे, पांच चार लाइन लिखने के बाद उसका आंसर आएगा, ठीक है ना, तो तब तक क्या है कि जैसे ही पांच चार लाइन करेंगे, उसका आंसर लगाएंगे, सेंटर से बाहर निकलेंगे ऐसे बाबर की फॉर्म में। अब सेंटर से बाहर आते ही किसी से भी पूछो कि भाई साहब कितने का स्कोर स्कोर हुआ आपका, 120। अब वहां पे अगर देखे तो सबका स्कोर 120 ही होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही मान के चलिए कि हम थोड़ा बाहर निकले, अब एक बच्चा जो है, दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि जी मेरा आंसर तो भैया इसका 0.5 है, ठीक है, अब ये भाई साहब साइड साइड में देख रहे हैं 0.5, हमारा तो 50 आ रहा है भाई, ये कैसे, बात समझ में आ रही है। यानी कि जो नंबर 120 थे वो घर आते आते ही, अब मेट्रो में खड़े हुए थे, दो चार वहां गलत हो गए भाई, ठीक है, तो घर आता आते ही वो 80 पे आ जाती है बात। और जैसे घर वाले पूछते कि भाई साहब एग्जाम कैसा हुआ, ठीक है, तो भाई साहब कहते हैं बस अब के अगले साल खाल के बल सिद्ध ही कर दूंगा, अब का कोचिंग ज्वाइन कर बस अब तो जो है गदर ही मचा दूंगा अब के तो, ठीक है। और ये हर साल ऐसा ही चलता रहेगा कि अगली बार फिर वही कहानी सेम दोहराई जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि बच्चा क्या है, जिद पे अड़ा है कि भैया मुझे तो नहीं लिखना ही ज्यादा है, लिखना है तो भैया लिख लीजिए। तो मैंने कहा कि भैया ये देखो सात है, सात से कटने वाला है, कि काट दिया, खत्म कहानी सवाल की। और जिसको नहीं भरोसा है तो भैया चेक कर लो, दूध और पानी कितना है, 56 लीटर है। यहाँ पे देखिए ये बर्तन है, 5:2 का रेशियो है, ठीक है, तो इसने इस बार मिलाया क्या है, दूध और पानी के अनुपात को 7:2 करने के लिए मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है, दूध मिलाया गया इस बार। मैं लिख देता हूँ ये मिल्क है और ये वाटर है, ठीक है, तो क्या मिलाया गया है, ये वाला देखो, दूध मिलाया गया, वाटर नहीं मिलाया गया, तो ये कितना हो गया, दूध मिलाने के बाद 7:2 हो गया। और बिल्कुल देखिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे देखिए वाटर कितना है, 2, और यहाँ भी कितना है, 2, तो आपको बराबर भी नहीं करना, बराबर नहीं करना। तो इसका मतलब है कि ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ देखें तो ये कितना यूनिट बढ़ गया, 2 यूनिट बढ़ गया, तो अगर हम यहाँ देखें तो 5 और 2 कितना है, ये 7, और 7 का मतलब कितना है, ये 56 लीटर, कितना है ये, 56 लीटर, ठीक है, 56 का मतलब हो जाएगा 5 और 2 7, 7 का मतलब हो गया 56, तो 7 यूनिट कितना, 56 लीटर, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 8 लीटर। तो यानी कि दूध की अगर मैं बात करता हूँ, मिल्क एंड वाटर, तो हो जाएगा 8×5=40, 40 लीटर इसमें दूध है, और 8×2=16, 16 लीटर इसमें क्या है, पानी है, और 2 यूनिट दूध बढ़ गया, तो 2 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 16 लीटर, तो 16 लीटर इसमें दूध बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 40 और 16 कितना हो जाएगा, 56 लीटर हो जाएगा, यानी कि 56 लीटर, कितना हो जाएगा दोस्तों, 56 लीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 56 लीटर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखिए, मिल्क एंड वाटर कितना है, 5:2 के रेशियो में है, 5 और 2 7, 7 का मतलब हो गया 56 लीटर, तो 7 का मतलब 56, 1 का मतलब 8, तो 2 का मतलब कितना हो गया, 16, तो 2 का मतलब 16, इसकी तो जरूरत बाद में पड़ेगी, 1 यूनिट कितना हो गया, 8, तो 8×5 कितना हो गया, 40, और 8×2 कितना हो गया, 16, यानी कि इन 56 लीटर में, इन 56 लीटर में कितना है, ये 40 है और ये 16 है, ठीक है। और जब हमने इसमें जो है क्या मिलाया, दूध मिलाया, तो दूध कितना बढ़ गया, 2 यूनिट, अब 2 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 16 लीटर, आप इसमें 16 लीटर मिलाओगे तो कितना दूध हो जाएगा, आज फिलहाल प्रेजेंट में 56 लीटर, कितना हो जाएगा, 56 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कीजिए भाई, ठीक है। और इसके बाद कोई भी आपके मन में डाउट आता है तो मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप मुझे उस पर व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है ना, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, चलिए मिलेंगे अपनी अगली क्लास में।